देखिएगा, हमने जैसा कि बताया कि प्रयत्न दो प्रकार का होता है। तुमने अभी अभ्यंतर प्रयत्न या आंतरिक प्रयत्न बता दिया, अब बाह्य प्रयत्न की ओर देखते हैं। तो बाह्य प्रयत्न कुल 11 होते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 11। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि बाह्य प्रयत्न की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा 11 होती है। पहला है इसमें बीवार है, दूसरा है श्वास है, तीसरा है अघोष है, चौथा है समवार है, पांचवा है नाद है, फिर घोष है, अल्पप्राण है, फिर महाप्राण है, उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 11 हुई। अब लेके चलते हैं दोस्तों आपको बीवार की तरफ। बीवार में क्या होता है कि मुख पूर्ण रूप से खुलकर ध्वनि बाहर निकलती है, उसे ध्वनि को हम बीवार कहते हैं। उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? बीवार कहते हैं। फिर लेके चलते हैं आपको संवार की तरफ है। संवार में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख अल्प रूप में खुले तो उसे संवार कहते हैं। फिर है श्वास है, जिन वर्णों के बोलने में श्वास अधिक निकले तो उसे श्वास कहते हैं। फिर इसी प्रकार से अगला है नाद है, जब श्वास अधिक गर्जन के साथ बाहर निकलती है तो उसे नाद कहते हैं। फिर है अघोष है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज ना हो, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने पर आवाज बहुत ना निकले या गूंज ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। फिर है अगला है घोष है, जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज हो, अर्थात गूंज के साथ ध्वनि निकले मतलब उच्चारण हो, तो उनको घोष कहते हैं। फिर है हमारा अल्पप्राण। अल्प का अर्थ मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के बोलने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इनके अंतर्गत कुल 19 वर्ण आते हैं। फिर है हमारा महाप्राण, जिन वर्णों के बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। फिर है उदात्त है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से होता है उसे उदात्त कहते हैं। फिर है अगला अनुदात्त, जिन स्वरों का उच्चारण मुख के निचले भाग से होता है उसे अनुदात्त कहते हैं। फिर है स्वरित, जिन स्वरों का उच्चारण मुख के मध्य भाग से होता है उन्हें हम स्वरित कहते हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 11 पूरी हुई। एक बार फिर से आपको बता दें इनकी कौन कौन से हैं वो। तो बीवार है, श्वास है, नहीं सॉरी बीवार है, संवार है, श्वास है, नाद है, घोष है, अघोष है, अल्पप्राण है, फिर महाप्राण है, फिर उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 11 हुई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और इसी तरह अन्य वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें।